का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना है, स्टार्ट नहीं करना, बल्कि सबसे पहले समरी बनानी है। सर कैसे समरी बनाएंगे? लो बेटे, सबसे पहले लिखिएगा ईयर, फिर लिखिएगा डेट, फिर लिखिएगा परचेस और फिर सेल। सर ईयर में देखिए बेटा, क्वेश्चन पढ़कर समरी कैसे बनाते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2015। लो बेटे ईयर है 2015 और डेट है January 1st। मशीन हमने खरीदी बेटे 5 लाख की और उस पर हमने खर्च करा है 1 लाख रुपए फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन। और मेरे बेटा अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर इवन कैपिटलाइज्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। व्हेन वी आर एक्वायरिंग एनी एसेट देन ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड एट दैट टाइम आर कैपिटलाइज्ड। मतलब कि सिंपल से शब्दों में समझे तो जो मर्जी खर्चे अगर हम करें जब एक एसेट को हम एक्वायर करते हैं तो वो सारे के सारे खर्चे हम उस एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। सर क्या ये बार बार करेंगे? नहीं बेटे, सिर्फ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो 5 लाख की मशीन है और हमने 1 लाख इसके ऊपर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें तो सर ये इसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 6 लाख की। लो बेटे, फिर मेरे बच्चे आगे लिखते हैं कि उन्होंने 1 अप्रैल 2015 1 अप्रैल 2015 में, तो लो बेटे अप्रैल फर्स्ट आ गया है 2015 में, तो इन्होंने एक और एसेट को खरीदा 4 रुपीज 2 लाख और बेटे ये 2 लाख की इसकी कॉस्ट थी, ये इन्होंने खरीदा 2 लाख में। ड्यूरिंग द ईयर 2016 अक्टूबर 1st मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 लाख परचेज। और मेरे बेटे 2016 और अक्टूबर 1st की बात है बेटे, उन्होंने एक और एसेट को खरीद लिया है 3 लाख रुपए में और 3 लाख में खरीदा। लेकिन सर उसी दिन इन्होंने एक और रिपेयर चार्ज भी करा है और वो है 50,000 का। कौन सी मशीन पर? वो मशीन जो इन्होंने जनवरी 1st में खरीदी। इसका मतलब है इसका रिपेयर। सर ये रिपेयर अगर शुरू में होता, ये सेकंड हैंड मशीन होती, उस दिन हमें इस पर रिपेयर करना होता तो इसकी वैल्यू में ऐड हो जाता, इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता। लेकिन अब नहीं हो सकता सर, अब इसे रेवेन्यू एक्सपेंस मान के P&L में डालना पड़ेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, जो हमें हमेशा अपने दिमाग में ध्यान हमने दिमाग में बिठाए रखना चाहिए। क्या इस रिपेयर को अब हम कुछ करेंगे? सर इस रिपेयर का अब कुछ होगा? तो जवाब है नहीं, नहीं, इस रिपेयर का आपको कोई लेना देना नहीं है, इस रिपेयर से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके सर, आगे मेरे बेटे ये कहते हैं कि 1 अक्टूबर 2017 को उन्होंने जो मशीन फिर खरीदी थी बेटे 1 जनवरी 2015, शायद बहुत रिपेयर होने लगा, डर लगने लगा बेटे इनको, पता नहीं इस मशीन को चलाएंगे तो ये हमें फायदे की जगह कहीं नुकसान ना देने लगे, इसलिए इस मशीन को इन्होंने ये समझा कि क्यों ना बेच ही दिया जाए। 1 अक्टूबर 2017 और October 1st यानी 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने इस मशीन को बेच दिया मेरे बेटे 3,10,000 रुपए में। और जबकि इसको खरीदा कितने में था बेटे? इसको खरीदा था इन्होंने 6 लाख में। 6 लाख की मशीन, देखो मेरे बेटा यही मशीन है वो जिसको इन्होंने 3,10,000 में बेच दिया। आगे कहते हैं मेरे बेटा, उसी दिन इन्होंने एक 4 लाख की और एक मशीन खरीदी है। 4 लाख की मशीन खरीदी है बेटे, लेकिन जो पहले वाली मशीन थी वो खराब होने की वजह से, उसमें प्रॉब्लम्स आने की वजह से इन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। आगे लिखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू March 31st 2018। बेटे अब आपको March 31st तक बनाना था, मशीनरी अकाउंट आपको रिक्वायर्ड है। एट द रेट उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। और मेरे बेटे आपको मशीनरी अकाउंट अप टू March 31st 2018 तक इसको बनाना है। ये मेरे बेटे हमने पूरे क्वेश्चन को समराइज कर लिया, पूरे क्वेश्चन को हमने समराइज कर लिया। तो बेटे इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को समराइज कर लिया।